हेलो दोस्तों, अगर आपने क्लास 11 के एडमिशन्स के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं? अपने ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ पर सबसे पहले टाइप कीजिए CHD एजुकेशन। जैसे आप ये टाइप करेंगे, आपके सामने ये ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, ये रहा ऑनलाइन लिंक फॉर एडमिशन इन क्लास 11 वाला। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद नीचे चलेंगे हम, ये रहा, और इस क्लिक हेयर वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, आपको ये स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब भर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, देखिए लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट, फी रिसिप्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, इस वाले टैब पर, ये रहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म खुल जाएगा। आप चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिए आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे भी चेंज करना चाहें, ये देखिए। उसके बाद फिर आपको एंटर मार्क्स या ग्रेड्स वाले पेज पे जाना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इस ग्रीन वाले टैब पर। उसके बाद आप देखिए मार्क्स जो भरे हुए हैं उनमें चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं, मतलब आप फॉर्म को एडिट करना जैसे भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंटर प्रेफरेंसेस पे जाना है। आप जो स्कूल्स भरे गए हैं इनमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 15 है। आप चाहे तो कोई सा भी स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। स्ट्रीम बदलना चाहते हैं आप, स्ट्रीम भी बदल सकते हैं, देखिए इस तरह से। और जैसे आप ये फॉर्म भरते हैं, देखिए तो लास्ट ईयर की कट ऑफ शो हो जाती है, तो आपकी कितनी परसेंटेज है, आपकी मान लेते हैं 60% है, तो आपके चांसेस हैं कि इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ ये थी। बट लास्ट ईयर 85% वाला रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं था, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप लास्ट ईयर की कट ऑफ एक बार ज़रूर देखिए क्या थी, उसके हिसाब से आप स्कूल्स भरें। और ये प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ही सोच समझ कर भरना है, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। और वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेव प्रेफरेंसेस पे जाना है। जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते, देखिए तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट अ फॉर्मेट PDF फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी आपके फॉर्म की। और ये देखिए मैंने PDF डाउनलोड कर लिए। अब ये ऑप्शंस पूछ रहा है ओपन विथ, तो आप PDF व्यूअर से ओपन करके इसे जो है अपने पास संभाल के रख सकते हैं, और इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं आप चाहें तो। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, और लास्ट डेट से पहले पहले आपको एडिट करना है। ऐसा अगर आप नहीं एडिट करते तो जो लास्ट टाइम आपने जैसा भी फॉर्म को सेव किया है वही माना जाएगा, उसी के हिसाब से फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा।